गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हामिद। आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। गाइज ये मेरा एक सिंगल प्लेयर है जिसको मैंने कुछ टाइम पहले जो है ना इस केज के अंदर शिफ्ट किया था। मेरा कोई ख्याल नहीं था इससे इस सीज़न में ब्रीड लेने का, क्योंकि गर्मी उस टाइम पे बढ़ रही थी लगातार, और जो है मुझे लग रहा था कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी जब तक मैं मटकी लगाऊंगा, फिर इसके अंदर ये ब्रीड करेंगे तब तक कि काफ़ी ज़्यादा जो है गर्म हो जाएगी और फिर जो है ना इतना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा यार कुछ हुआ नहीं, टेम्परेचर भी जो है ना लगातार ठंडा बना हुआ है और इतनी ज़्यादा मतलब मौसम में गर्मी नहीं हुई है। और अभी भी मुझे लगता है कि जो है ना कल भी मेरे यहाँ का बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो है ना मटकी या बॉक्सेस कुछ लगा देना चाहिए जिससे कि ये जो है ना एक पेयर एक कम से कम एक क्लच तो ब्रीड कर ही दे, क्योंकि तकरीबन मान के चलिए आप 45 दिन तो लग ही जाएंगे इनको एक ब्रीड करने में, एक महीना। और एक महीने मुझे एक ही क्लच इनसे लेना है और देखना है कि ये कैसा जो है ना ब्रीड करते हैं, इनका जो चिक्स का वो कॉम्बिनेशन होगा वो किस तरह का होगा। खाली इसीलिए मैं जो है ना इनसे ब्रीड लेना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं, ये बहुत खूबसूरत कलर हैं दोनों के दोनों, और बिल्कुल जो है इनकी जो ब्रीड होगी वो भी जो है ना अच्छी होगी, तो इसीलिए मैं जो है ना एक और आपको दिखाता हूँ। फीमेल भी देखिए बिल्कुल ब्रीडिंग के लिए रेडी है, एकदम जो है ना तैयार है, इसको बस ज़रूरत है किसी मटकी या बॉक्सेस की और ये जो है ना उसके अंदर ब्रीड कर देगी। और यहाँ रखे हुए इनको काफ़ी दिन हो गया है और ये आराम से जो है यहाँ पर सेट है, इनको कोई इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सेट होने में। गाइज मैं जो है ना अपनी एक कॉलोनी में जो मैंने एक बॉक्स लगाया था वो खाली था, आपको चलिए दिखा देते हैं उसको। ये वो बॉक्स है जो कॉलोनी में मैंने लगा रखा था और इसके अंदर मुझे लगता है 2 से 3 बार बर्ड्स ने ब्रीड किया और चिक्स वगैरह निकले। इस टाइम जो है ना बिल्कुल खाली है बॉक्स और कोई पेयर ने जो है ना इसके अंदर इसको सेट नहीं किया हुआ है, मतलब इसके अंदर एग्स वगैरह नहीं दिए थे। और यार अभी मेरे पास इतना कुछ सामान भी नहीं है और कहीं मिल भी नहीं रहा है कि मैं जो है ना एक बॉक्स बना सकूं अपने बर्ड्स के लिए, तो यही मैंने निकाल लिया है और इसको मैं जो है ना इसके अंदर लगाने वाला हूँ। हम देखेंगे कि जो है ना कितने दिन में ये इसके अंदर ब्रीड करते हैं। और बॉक्स इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो है ना मटकी यार उसके अंदर लगाने के लिए उसमें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता और मटकी कोई एक्स्ट्रा इस टाइम है भी नहीं कि जो है मैं लगा दूं, और ये बॉक्स ही एक खाली पड़ा हुआ था। बॉक्स लगाने का रीज़न ये है कि टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा और इससे जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगेगी कुछ टाइम बाद, और ये बहुत ज़्यादा इधर उधर से खुला हुआ है तो इससे बर्ड्स को जो है ना अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी सही बना रहेगा और मटकी वगैरह जो है ना पूरी बंद रहती है और ऊपर से ढक्कन वगैरह भी अगर हम खोल देते हैं तो भी वो बात नहीं आती है जो बॉक्स में आती है ब्रीड के टाइम पे। हाँ ये बात सही है कि बजीज पैरट्स बहुत जल्दी जो है ना मटकी में ब्रीड करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार, अगर आप उनको बॉक्स प्रोवाइड कराएंगे तो वो बॉक्स में भी ब्रीड करेंगे और अगर आप मटकी प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें भी वो ब्रीड कर देते हैं अच्छे से, कोई इतना इशू नहीं है। मुझे लगा कि यार इसके अंदर बॉक्स लगाना चाहिए तो मैं जो है ना इसमें बॉक्स लगा रहा हूँ। और आपको दिखाते हैं ये वो चिक्स है हैंडटेम वाला, बहुत ज़्यादा देख करके परेशान होने लगता है, बाहर आने की कोशिश किया करता है। और ये मेरा प्यारा सा एक कॉकटेल, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सबसे पहले हम जाएंगे और जा करके एक इसके लिए फीमेल जो है ला करके छोड़ेंगे यहाँ पर। तो चलिए ये बॉक्स को जो है हम इसके अंदर अपने जो केज है उसमें लगा देते हैं। छोटा सा केज है और इसके अंदर जो है ना इनके उड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि गेट भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। बजीज पैरट्स के पर्पज़ से मैंने इसको बनाया नहीं था लेकिन फिर भी मैंने इनमें रख रखा है, तो मुझे जो है ना बॉक्स ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे अगर मुझे देखना हो तो ये जो है ना उड़े उड़े ना बाहर ना निकल के आए। मेरा यहाँ पर कॉर्नर साइड में जो है ना बेटर रहेगा बॉक्स को लगाना, लेकिन यहाँ पर झूला भी लगा हुआ है तो हम देखते हैं अभी कि कहाँ पर ये बॉक्स जो है ना सेट होता है, वहीं पर हम जो है ना इसको सेट कर देंगे। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कॉलोनी के अंदर एकदम कॉर्नर साइड में इस बॉक्स को रख दिया है ताकि जो है ना मैं भी जो है देख सकूं कि क्या इनकी प्रोग्रेस चल रही है किस तरह से। अगर मैं इस साइड में यहाँ पर रखता तो यार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना पड़ता बर्ड्स को, तब जो है ना मैं कहीं चेक कर पाता।
और यहाँ पर क्या है कि अगर मुझे कुछ देखना होगा तो अपना सामने से आराम से ऐसे जो है ना हम यहाँ पर देख सकते हैं नज़र डाल के, कोई इतनी ज़्यादा इशू नहीं क्रिएट होगा और बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अभी मैंने बॉक्स लगाया है, अब तकरीबन मान करके चलें एक दिन का तो इनको टाइम देना ही पड़ेगा, तब ये जो है ना जानेंगे कि ये क्या है कैसे है, वरना तो ये डरेंगे। मगर मेल का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा अलग है, आपको जैसा कि दिख रहा है मेल को लग गया है कि ये ब्रीडिंग की बॉक्स है और ये जो है ना चेक करने लगे हैं इसको आ करके, क्योंकि फीमेल जब ब्रीड पर होती है तो जो है ना, और मेल को लगता है कि हाँ ये रेडी है, तो वो जो है ना इनके लिए जगह वगैरह ढूंढा करते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी ब्रीड करें और वो मीटिंग करें। गाइस मेल का माहौल, मेल जो है ना बिल्कुल चेक कर रहा है और फीमेल अभी यहाँ पर बैठी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको भी देखने में। मैं अभी यहाँ थोड़ी देर बैठता हूँ और कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है तो वो आपके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे। वैसे मैं जो है ना इससे रिलेटेड वीडियो एक दो दिन बाद अपलोड करूँगा, क्योंकि जो है ना मुझे लगता है कि एक दिन के टाइम बाद ही ये जो है ना फीमेल बॉक्स पर आएगी और अंदर जाना या जो भी चीज़ें स्टार्ट होंगी वो आपके साथ पूरी शेयर करेंगे। तो गाइज़ ये मेरी एक छोटी सी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।